अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ वालेकुम सलाम, तेरा जुल्कार, हाउ आर यू? दिस इज द ओल्ड वन क्लास। खदीजा अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम। वेट करें, थोड़े स्टूडेंट आ जाते हैं तो फिर हम उसको लेके शुरू करते हैं अपना। ठीक है, मैम नहीं सर, जी, हीरा जलकार मैडम छुट्टी पे है ना? लग नहीं रहे हैं, बिल्कुल हैं। ओके, थोड़ी तैयारी हो जाए आज आपकी हेल्थ असेसमेंट की। कोई मैंने सोचा कि शायद मैंने रॉन्ग साइन किया है। ठीक है, ओके। जैसे 10-15 स्टूडेंट होते हैं तो हम आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज इस तरह से। चलो जी, कोई ना कोई आपकी बेनिफिट हो जाएगा, या कुछ लेक्चर लेना है तो मुझे बता दें किसी टॉपिक पे तो वो कर लें। हाँ भतीजा, पैथो के एमसीक्यूज अगर आपकी थ्योरी क्लियर है ना,
मेरा तो नहीं ख्याल है कि आपको एमसीक्यूज अलहदा से करने की, मैंने तो कभी, हमने कभी नहीं होती है। ठीक है, वैसे मैं आपको जनरली बताऊं, मैंने तो कभी एमसीक्यूज की स्पेशली हमने कोई तैयारी नहीं की। आपके पे जो भी सब्जेक्ट है, अगर थ्योरी क्लियर है ना, थ्योरेटिकली यू आर क्लियर, आपके कंसेप्ट ठीक है, तो वो एमसीक्यूज की जरूरत ही नहीं है आपको तैयारी करने की। तो मेक योर थ्योरी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट। अच्छा, चले मैं आपसे कुछ एमसीक्यू शेयर करता हूँ। यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दैट। कुछ डिफरेंट हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है? सही क्या आ रहा है? इसी में डाल देते हैं। मैं चैट कहाँ से करूँ इसे? ओके फैजाद साहब, आप सबसे पहले मुझे ज़रा जवाब दें इस क्वेश्चन का। पेशेंट इज डायग्नोज विद प्लूराइटिस। पहले तो आपको पता होगा कि प्लूराइटिस क्या है। What will be the next to most likely assess in the patient? So what can be your best answer for that? जल्दी से मुझे, हर कोई बताए अपने अपने आंसर्स। हीरा जुल्फकार इस आंसर की। हाँ जी, सब देना जवाब। हीरा जुल्फकार तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है ना।
क्लास क्या बात है, आप तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप? ओके, इसका आंसर डी ही है। ठीक है, कि जो ब्रेथ साउंड्स हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। ओके मुबीन, एक्सेलेंट, आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मरियम तारिक एज वेल। इसका भी डी है, सेकंड वाले का। मुबीन ए, नीलम राशिद कह रही हैं जी डी, हिरा जुल्कार ए। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। गुड, क्या हो गया मैडम? मैंने कहा कोई गिरना, मैंने कहा कोई ऐसे चक्कर तो नहीं आ गए? मैडम कहाँ, अभी तो फंसे पड़े हैं।
फाइनल वो बड़े भाई हैं कल्टस घर में है, वो कहते हैं कल्टस रहना तुम यूरो ई एफ आई लो क्योंकि तुम्हारे भावलपुर चक्कर लगते हैं ज्यादा, बड़ी गाड़ी पे जाया करो लेकिन सिटी के लिए मेहरान ठीक है। मैंने कहा ये मॉडल मुझे ना अपग्रेड करना है, एसी की वजह से मैं बड़ा तंग हो रही हूँ, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं यूरो ई एफ आई जो है ना मेहरान। हालांकि मुझे मैंने तो खेच आनी थी, वो कहते नहीं कल्टस नहीं, उसका करोला जितना खर्चा है कहते उससे। हाँ फिर वो वही अब ढूंढ रहा हूँ, कोई सूटेबल नहीं मिल रहा, जिनके पास है वो अच्छी गाड़ी का 8-9 लाख रुपए मांगते हैं, इन 8-9 लाख उस पर नहीं लगाने। कौन सा मैडम? वो उसमें है ना कि वैल्यू जो है मतलब नेक्स्ट 1-2 सालों में ऑब्वियसली मैंने जहाँ अब उस पे आना है, मैंने ये नहीं करना, मुझे पर्सनली करोला पसंद है। ठीक है, वो कह रहे हैं अभी कोई रेट्स वगैरह डाउन होने जा रहे हैं गाड़ियों के, और ये बड़ों की बात भी माननी चाहिए, मेरा मतलब सबने गाड़ियां रखी हुई हैं, तो वो बंदा फिर अच्छा नहीं लगता है, अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो करना पड़ता है। हाँ वो कल्टस सिंध का नंबर, प्रॉब्लम ये है सिंध की वजह से मैं थोड़ा वो भी हो गया, सिंध का नंबर उन्होंने कभी कभी नहीं, वो सेल नहीं होता मेरी गाड़ी, वो ठीक थी जी। हाँ जी ओके, हु इज आंसरिंग डी? मुबीन, फातिमा, नुदरत, हिरा, जुल्फकार, मरियम, तारे के सारे मेरे ही स्टूडेंट हैं, फातिमा को छोड़ के। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा? आपको शो नहीं हो रहा, बाकियों ने तो जवाब भी दे दिए। अच्छा नुदरत एंड सारे जो स्टूडेंट हैं वही कंसेप्ट हैं, वही कुछ है जो हमने पढ़ा है भाई। ओके मुझे मारो फिर, बचत हो गई है इस साल, मैंने छोड़ दिए हेल्थ असेसमेंट। बी विस्किलर, हाँ विस्किलर हो सकता है। मुबीन भी, हाँ जी एकदम जवाब जैसी है, मुंह में रख के बैठी हुई हैं आप, वेरी नाइस गुड। हाँ जी शहजाद साहब आया नजर, शहजाद भाई ओके आप जवाब दें, कौन सा है ये शहजाद? अच्छा कमल बी, ओके राइट नाउ दिस नाइस।
Okay, this is while the patient is saying letter E during the assessment transmitted by sounds. Six. The nurse auscultated the letter A. Which pathological process does this finding suggest to the nurse? Pneumonia? Very nice. Good. नीलम नहीं, बेनी, फातिमा बेनी, नुदरत, अपना ये नमूनिया होगा इसका आंसर. यस. Okay, Bobin, this one. गैस्ट्रिक एयर बबल. यार फ्लैट साउंड व्हेन परकसन द राइट लोअर लोब ऑफ द पेशेंट. व्हाट डज द फाइंडर इंडिकेट टू द नर्स? फ्लैट साउंड हैं व्हेन परकस द राइट लोअर लोब. फ्लैट साउंड्स. ओ भाई सिद्धार्थ साहब. यस, प्लूरल इफ्यूजन्स कैन बी द बेस्ट आंसर. अब थोड़ा सा ना मुश्किल सा एक एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ. जी हाँ, हाँ जी यही तो बात है. हो गया ना चुरमुरु, दिमाग में चुरमुर मच गया ना. Assessing a patient readiness to quit smoking. Place in order the steps in which the nurse will conduct this assessment. Arrange follow-up
be asked about the tobacco use and assist to quit and D is advised to quit. How you will सबसे पहले आप क्या करेंगे आपका सीक्वेंस जो है ना वो क्या होना चाहिए जनाब अकॉर्डिंग टू की द ऑप्शन इज सी इज अ करेक्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क अबाउट द टोबैको यूज देन सी इज बेस्ट आंसर Then D, advertise to quit. Then E, assess the willingness. Then C, assist to quit. Then A, arrange a follow-up. No. Sequence की बात हो रही है सारे ऑप्शन सारे हैं लेकिन सीक्वेंस किस तरह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इस तरह के भी आ जाते हैं बाद का अच्छा चलें जी अब आपका फेवरेट जो लड़कियों का फेवरेट टॉपिक होता है ना उस टॉपिक में कौन सा हो सकता है शहजाद कौन सा हो सकता है फेवरेट टॉपिक लड़कियों का एब्डोमन एब्डोमन कहाँ से हो गया भाई बड़े खिलाफ हो तुम लड़के होंगे स्किन मेरे ख्याल में नहीं होता फेवरेट टॉपिक रोशन डिजिटल सी ओके हियर आंसर इज सी सबक्यूटेनियस टिश्यू व्हाट इज इन की अ पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम अ बर्न इंजरी इज टोल्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट हेयर विल नो लॉन्गर ग्रो ऑन द body and part that will burn the nurse realized that this burn extended into which skin layer तो कहां तक इसका मतलब है कि जो जहां से हेयर फॉलिकल निकलते हैं उस सरफेस तक क्या हो गया जी एक्सटेंड हो गया और बेड़ा गर्क हो गया ठीक है देन योर सबक्यूटेनियस क्यों होगा योर डर्मिस यस हेरा जल का डर्मस विल बी ठीक है ओके जी जबरदस्त चीज अभी दे रहा हूँ मैं याद है मेरा फेवरेट एक ब्रेडन स्केल होता था
यस एग्जैक्टली हम करवाते होते हैं ना इसको। पूछ लो। Your answer is a B. Acceptable. मरियम तारिक छोड़ें, आप इसको दें, आप सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगवा रही हैं, आप जवाब दें क्वेश्चन का। अक्षा कमल फाइनल एग्जाम में भी आया था, तब सर फैसल याद आए। फाइनल एग्जाम इसमें आपके जो अक्षा कौन सा था, कॉलेज का या उधर एनईबीपी में? ओके कनेक्ट करें ना आप। ओके दैट्स गुड ना। अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन एज वेल। हम आपको चीजें वो कराते हैं जो इम्तिहान में आती हैं। अच्छा दोबारा देखें। ओके इसका बी है आंसर, बी फॉर बॉल।
इधर काम यस डी इसका जवाब है डी। ओके सेकेंडरी मैडम थैंक यू मैंने पी हुई है बहुत शुक्रिया। ओके 9 का बी है भाई सिद्धार्थ ना है डी नहीं है। ओके दैट्स अ फिजिकल एग्जामिनेशन चैप्टर फ्रॉम द फिजिकल एग्जामिनेशन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली
Your answer is the D. Yes, second is a B. The answer is the D. Yes. सिक्स का ए है, सिक्स का नहीं, दोबारा देखो। रीडिंग विल बी लो। यस, बी इज द बेस्ट आंसर।
Okay, your answer is a B. दोबारा देखें 102 किसने जवाब दिया जी? 102 समथिंग एक आया जवाब। नो, ए है इसका आंसर। छत पिलर डिग्री नहीं मैम, वो आपके पास नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है? नहीं, मैंने वो चले क्लास। थैंक यू, आप जल्दी से मुझे ना अपनी अटेंडेंस बता दें। एक तो अक्सर कमल है, मुझे नजर आ रहा है सबका ना। हिना, फातिमा, हिरा, जुल्फकार, मुबीन, शहजाद इनायत, कुदरत, मरियम तारिक, सुंदस, शमन, अक्षर कमल, फातिमा, नुदरत, आरफा, अशरफ, मुबीन आ गई, नुदरत, नीलम, खुशी, ओके, जिसने पार्टिसिपेट किया उन सब के नाम आ गए। ठीक है, जिसने जो जवाब दिए हैं वो हिना, हिना का आ गया। ठीक है, थैंक
थैंक यू वेरी मच। अभी चलो एक आध और कर लें, अभी जब तक टाइम नहीं होता। चलो एक वो कर लेते हैं। नहीं टेस्ट तो नहीं मेरे ख्याल में, मैं तो खुद बहुत बिजी हूँ। यस नहीं, इसका लास्ट वाले का था, इसका तो आप बताएं ना। न्यूरोपैथिक है, यस। चलें ये लास्ट है, चले बल्कि टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।